फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं अभी जा रही हूँ एक मीटिंग के लिए अविनाश के साथ। हाय बेबी, तुम्हारे बाल देखो और मेरे। मैं गंजा हो जाऊँ क्या? नहीं नहीं, तुमने बाल ठीक नहीं बनाए हुए ना। मैंने बाल बनवाए हुए हैं। तो तुमने मेरे बनाए नहीं ना? नहीं तो मैंने अपने भी कौन से बनवाए? मतलब मैंने खुद नहीं बनाए, दूसरे ने बनाए। अच्छे लग रहे ना? आज मैं पहली बार तैयार हुई हूँ। मैं भी दिखाऊँ? मैं दिखाऊँ? पहली बार तैयार हुई? मतलब तैयार होती नहीं हूँ ना। कैसे लग रही हो? बहुत अच्छी लग रही बेबी, और पतली भी लग रही हो। अरे व्लॉग बनाना था, भूल गई है नाश्ते नाश्ते। तो मैं और अविनाश जा रहे हैं एक मीटिंग के लिए, इम्पोर्टेंट मीटिंग है हमारी। जैसे मैं जा रही थी घर से, निकल ही रही थी, तो मुझे किसी का कमेंट आया इंस्टाग्राम पे कि जो आप मैक गए थे और वहां से जो आपको एक बॉक्स मिला था, मिस्ट्री बॉक्स, तो वो हम देखना चाहते हैं कि आपको क्या प्रोडक्ट्स मैक से मिले। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मुझे मैक ने बुलाया था और वहां पर हमने वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया और आप लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद आया था, वो लुक्स बहुत पसंद आए थे। और जाते जाते उन्होंने एक मुझे मिस्ट्री बॉक्स दिया था जो मैंने तो देख लिया, लेकिन आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। तो आज मुझे याद भी आ गया कि मैं दिखाई देती हूँ जैसे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया है। तो आप लोग तैयार हो मेरा मिस्ट्री बॉक्स देखने के लिए? तैयार हो ना, आ जाओ। मेरी गुड़िया नहीं जा सकती आज मीटिंग के लिए, जा सकती मेरी गुड़िया छात में। उनसे कैंडी के लिए भी कुछ मांग लेती ना, मेकअप वेकअप। जाओ मम्मा पास जाओ, जल्दी आ जाओ, उसको ब्रिज चाहिए तुम्हारे पास जाने के लिए। जाओ जाओ मम्मा पास जाओ। आओ आओ नीली मम्मी ने गुड्डू, मेरा छोटा गुड्डू। मम्मा का पारा बेबी है, लेकिन सबसे पारा बेबी तो कोको है। सबसे पारा बेबी कोको है, लेकिन आप जल्दी बीच में ऐसी झपट्टा मार देते हो ना, है ना? सबको हाई कर दो, हाई कर दो, हाई कर दो। तो मैं आपको दिखा देती हूँ क्विकली अपना मिस्ट्री बॉक्स जो मुझे मिला है मैक से। आई लव इट, मतलब आई लव द बॉक्स इटसेल्फ। अगर आप देखोगे तो मुझे ये बॉक्स ही इतना क्लासी है ना, पूरा आप इसमें ना पूरा मेकअप का सामान रख सकते हो। ऐसा लग रहा है दुल्हन के लिए दिया बॉक्स है ना। हाँ। वही था, लेकिन मैं दुल्हन तो 3 साल पहले बन चुकी हूँ। बेबी तुम्हारी भूल गए, दोबारा बनना है। मेरी ही, किसी और की नहीं। तुम कहोगे तो मैं किसी और की बन जाऊंगी, कोई रोल नहीं है। मुझे क्या है, बोलो तो सही, तुम हुकुम करो मेरे आका। बेबी तुम कितना शर्मा रहे हो इस बात पे। बेबी हाँ, तुम कितना शर्मा रहे हो इस बात पे। मैं शर्मा नहीं रहा, गुस्सा हो रहा हूँ मैं, ठीक है? चलो मैं अपना बॉक्स दिखा देती हूँ जल्दी से, इसमें क्या क्या है। तो ये बॉक्स खुलेगा जी ऐसे। बेबी अगर ये खाली निकला तो? सुनो बेकार की बातें मत करो, मैं देख चुकी हूँ, मुझे पता है इसके अंदर क्या है। लोगों को नहीं पता है, ज्यादा ओवर स्पॉन्ड बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? नहीं, लेकिन इसके अंदर जो सामान हुआ अगर वो खाली हुआ तो? वो भी मैं देख चुकी हूँ, मैं देख चुकी हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये खुला बॉक्स अरे तो मैं दिखाऊँ एक एक करके दिखाऊँ। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, लिपस्टिक। और मैं ये ऑलरेडी मैं यूज भी कर चुकी हूँ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। दिस वॉज द लिपस्टिक जो मुझे वहां से मिली थी, एंड द शेड, इफ यू लाइक, आई रियली लाइक द शेड। मैंने अभी नहीं लगाया हुआ है क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इससे मैचिंग कुछ लगाना था। ये कुछ ऑरेंज है। सो 628 ट्रॉपिक टॉनिक मैट लिपस्टिक। तो ये है लिपस्टिक, डिटेल्स आपको मालूम है कि कौन सा नंबर है। आप चाहे तो इसको ले सकते हैं, फिर लाइक इट। ये लाइट कलर है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आता है लाइट कलर। मुझे बहुत ज्यादा डार्क कलर्स अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन डार्क कलर्स ही मुझ पर सूट करते हैं, इसलिए मैं लगाती हूँ। मतलब फॉर अ चेंज कुछ भी लगाती रहती हूँ मैं। मेरे लिए कुछ ये स्पेशल नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है कि एक पर्टिकुलर शेड ही लगाना है। जो मुझे अच्छा लगता है, जिस मूड में मैं होती हूँ, वो लिपस्टिक मैं रगड़ लेती हूँ। और बेबी सबसे अच्छी बात तो ये ना कि अब गिफ्ट में तो कुछ भी मिल जाए तो अच्छा ही है, चाहे डार्क चाहे लाइट। दूसरी चीज मैं आपको दिखाती हूँ। ओके दिस इज, सो ये मैक का आई शैडो है जो आप देख सकते हो, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल शेड्स। सो ये देख लो, दीज आर ऑल द शेड्स, लाइक इट। मेरा एक्चुअली इसमें से फेवरेट ना ये दो है, एक दिस वेरी लाइट कलर। मैं आपको लगा के बताऊँ क्या, थोड़ा हाथ पे ऐसे एक्चुअली पता नहीं चल रहा। ओ गॉड, ये क्या शेड है बेबी, वाह, बहुत प्यारा शेड है बेबी। जब आइस पे लगाओगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा। इसमें मालूम पड़ रहा है बेबी? पता नहीं लोगों को मालूम पड़ रहा हो, मेरे लिए तो वही हो गया, काला अक्षर भैंस बराबर। ये देख लो, ये देखो, सी, थोड़ा आपको दिखा के बताती हूँ, सी दिस,
ओह माय गॉड बेबी, ये तो मैं अभी भी लगा सकती थी। कुछ चमक तो रहा है बेबी, जिन की तरह। बेकार की बात मत करो। सो दिस इज, अगर मैं आपको इसका नंबर बताऊं, दिस इज द वन। इसकी एक्चुअली मुझे पैकेजिंग भी बहुत अच्छी लगी है। देखो ये बाहर ही इसका जो कवर है वही बहुत कुछ कहता है। जब कवर ऐसा है तो ऑब्वियसली जो अंदर शैडोज होंगे वो तो जगमग होंगे ही ना, इससे पता लग रहा है। इसमें कोई लिखा भी है, मैक हसीना। थर्ड इज दिस टाइम चेक लोशन, जो कि मुझे जब उस दिन मेकअप हुआ था तब भी उन्होंने यूज किया था। सो जस्ट बिफोर योर मेकअप, अगर आप जैसे ही मेकअप स्टार्ट करें, सबसे पहले मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने ये अप्लाई किया था, एंड विच इज वेरी वेरी नाइस। और मेरा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मेरा ये जो टी जोन है वो ऑयली भी है, तो मैं ये लगाऊंगी तो मेरा ये जो ऑयली वाला पार्ट है ना वो थोड़ा सा मैट इफेक्ट देगा। नाउ इज द ब्लश ऑन। एक ये ब्लश ऑन मुझे गिफ्ट में मिला है, कोई लिखा तो नहीं है। नहीं लिखा नहीं है, लेकिन इसका नाम ही है पिंच मी, एंड दिस इज द शेड। नाइस ना। सो दिस इज वन ब्लश ऑन, एंड इन्होंने एक और मुझे स्टूडियो फिक्स दिया है जो कि NC35 ही है, जो कि मेरा अपना नंबर है NC35। सो ये मेरे लिए, ये तो मेरा बेस्ट हो गया। मतलब आप ये सोच लो कि साल भर के लिए आई एम सॉर्टेड। एक मैं पहले ही बीच में खरीद के लाई थी और दूसरा मुझे गिफ्ट में मिल गया, तो एक साल मेरा पूरा आराम से स्टूडियो फिक्स में निकल जाएगा। एंड आई डोंट यूज एनी अदर फाउंडेशन और एनी अदर प्रोडक्ट। मैं जो यूज करती हूँ वो NC35 ही यूज करती हूँ। मतलब फिलहाल भी मैंने वही यूज किया हुआ है। इस समय भी मैंने कोई फाउंडेशन नहीं लगाया है। इस समय भी मैंने, आप देखोगे ध्यान से, तो मैंने अपना स्टूडियो फिक्स ही लगाया, एंड दैट्स इट। तो मेरे लिए काफी हो जाता है। अगर मुझे बहुत हैवी मेकअप नहीं चाहिए तो मेरे लिए स्टूडियो फिक्स इज मोर देन एनफ। लेकिन एक बात बेबी, तुम जो अपने हाथ से मेकअप करती हो ना, उसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। सही? अभी भी तुमने जो मेकअप किया हुआ है ना, हाँ। ये मतलब आज तक मैंने जितने भी तुम्हारे मेकअप देखे हैं उसमें सबसे अच्छा है। तो फिर नेचुरल, एक नेचुरल टच आ जाता है और कुछ नहीं। क्योंकि मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया, मैंने कुछ भी कंसीलर नहीं लगाया, मैंने कुछ भी नहीं किया है। थोड़ा बहुत कॉन्टोरिंग वगैरह किया है और वो भी स्लाइट। समहाउ मेरे को मैक, जो मेरा मेकअप हुआ था ना मैक पे, वहां मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, देन दिस इज वन स्ट्रोक क्रीम, जो कि उस दिन भी उन्होंने यूज किया था। और इसकी खासियत ये है, मैं आपको ना थोड़ा सा निकाल के बता भी देती हूँ इसकी क्या खासियत है। तो ये जस्ट एक क्रीम नहीं है, लोशन नहीं है, ये बेसिकली आपको थोड़ा सा एक शिमरी इफेक्ट देती है आपकी स्किन को। तो अगर थोड़ा सा मैं लगा के आपको बताती हूँ, इसको क्लोजअप में देख लेना तो आपको मालूम पड़ेगा। एंड आई लव इट। ये देख लो, इसमें ना स्लाइट एक शिमर है, तो जब आप इसको फेस पे लगाते हो ना तो आपका पूरा फेस पे हल्का हल्का शिमर आ जाता है। एक लाइट सा ग्लॉसी ग्लिटरी टच आता है इससे, ये देख लो। और इसके ऊपर आप, मैं तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ आप स्टूडियो फिक्स लगाओगे काफी है, यू डोंट नीड एनी अदर फाउंडेशन टू बी ऑनेस्ट। सो ये देख लो, पता लग रहा है अभी, हाँ इसका इफेक्ट ये है। और मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो इसमें तो डेफिनेटली करना। स्टूडियो फिक्स आपकी अपनी मर्जी है, आप लेना चाहो। अगर आप यूज करते हो फेस पे, पता नहीं ना कौन कौन क्या क्या यूज करता है, लेकिन ये मुझे चीज बहुत ही अच्छी लगी मेरे लिए। स्टूडियो फिक्स और ये आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है मैक। अब से स्टूडियो फिक्स तो हमेशा से था, ये लगाने के बाद ना उस दिन मैंने जो इसका इफेक्ट देखा ना, आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग। एंड द नेक्स्ट थिंग इज अनदर शैडो, वेरी वेरी नाइस यार। ये देख लो, ये उस दिन उन्होंने यूज भी किया था मेरे पर, एंड इसमें शिमर इफेक्ट भी है, इसमें मैट मैट वाले शैडोज भी है। जस्ट हैव अ लुक। एंड दिस पैलेट इज कॉल्ड फ्लैम्बॉयंट। सो दिस पैलेट इज कॉल्ड फ्लैम्बॉयंट। तो बेसिकली मैं देख रही हूँ जिसमें जो भी इसके अंदर शेड्स हैं, अब शेड्स का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस पे लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सो दिस इज लाइक सम सेमुआ सिल्क, अम्बर लाइट्स, डेलीवुड रूल। अभी इसके नाम वैसे तो पता नहीं है मुझे, लेकिन जब मैं लगाऊंगी मुझे पता है मिक्स एंड मैच करके ये बहुत अच्छा आएगा। आउटस्टैंडिंग शैडोज है बेबी, आई एम सॉर्टेड फॉर वन ईयर। अब तो मुझे तंग नहीं करोगी ना एक साल तक मेकअप के लिए? मैं वैसे भी कहाँ करती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करती बेबी। मतलब करोगी? एंड देन ये उन्होंने उस दिन यूज भी किया था मुझ पे, जो कि इसका इसका नाम क्या बोलते हैं, सो दिस इज कॉल्ड क्रीम कलर बेस। तो जैसे आप ये थोड़ा सा हाइलाइट्स वगैरह करते हो, ये थोड़ा बहुत शिमर यहाँ पे लगाते हो, ये भी मैंने दूसरा लगाया हुआ है, लेकिन ये क्रीम बेस है। सो ये उस दिन मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने मुझ पे यूज भी किया था और इसका इफेक्ट इतना अच्छा आया था। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब यूज करूंगी तो आपको अपने आप मालूम पड़ेगा। सो वेरी लाइट, और आपको यहाँ से लेकर, उन्होंने सिखाया भी था यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इसको यूज करना है, यहाँ तक। सो द नंबर इज B69 एंड You can have a look, details, earring. तो ये रहे सारी चीजें जो कि मैक ने मुझे गिफ्ट करी। बट मैं आपको बता दूं, मैक के कोई भी प्रोडक्ट्स जो है वो सस्ते नहीं होते हैं, वो एक्सपेंसिव होते हैं। एंड आई नो इट। मैं समझती हूँ बहुत लोगों की, बहुत लड़कियों की पॉकेट्स ये अलाउ नहीं करती कि मैक के प्रोडक्ट्स खरीदे, क्योंकि मैक एक्सपेंसिव है। बट अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो एक एक करके
छोटी छोटी चीजों में इन्वेस्ट करके अपना मेकअप किट आप अच्छा बना सकते हो। आई लव मैक प्रोडक्ट्स और मुझे अच्छा लगता है ये मैक के नहीं, मुझे तो खैर कॉस्मेटिक्स अच्छा हो तो किसको नहीं अच्छा लगता, सबको अच्छा लगता है। सो दिस इज इट, आपको दिखा देती हूँ ये बॉक्स अंदर से कैसा लगता है। ये ऐसा लगता है, तो ये रहा मेरा सारा मेकअप किट जो कि मैक की तरफ से मुझे गिफ्ट में मिला है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ये गिफ्ट। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो मुझे बताइए इसमें से कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपको वाकई बहुत अच्छे लगे हैं वो मुझे बताइए। मोस्टली अगर मैं सही बताऊं तो मैं ये सारी चीजें यूज करने वाली हूँ। एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक मैक जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया उस दिन वुमेन्स डे पर, स्पेशली पूजा एंड मानसी जिन्होंने मेरा मेकअप किया। थैंक यू सो मच पूजा मानसी। तो मैं अब इसके बाद निकल रही हूँ, मेरा मेकअप का सामान हो गया है पूरा, मेरी मेकअप किट हो गई है पूरी। तो हम लोग चले, मे भी चलो निकले। तो आपको मिलते हैं अपने कुका। मिला कुका, मेरे को अड़ंगी दे दिया कुका ने। तो आप लोगों ने देख लिया था मोना के मेकअप किट और एक साल तक ऐसा कहना है कि उसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं एक दिन के बाद आपको ये बात दोबारा बताऊंगा। नहीं। तो हम लोग आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड कीप तो आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन आप लोग ये जरूर बताइए कि ये मेरा मिस्ट्री बॉक्स आपको कैसा लगा, अनबॉक्सिंग कैसी लगी। मुझे आती नहीं है, मुझे बड़ा प्रोफेशनल ऐसी चीजें दिखानी नहीं आती है ऑनेस्टली, कॉस्मेटिक्स तो बिल्कुल ही नहीं आता है। तो आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन कीप लाइकिंग शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। सब्सक्राइब प्लीज प्लीज, हाथ जोड़े हाथ सब्सक्राइब। अभी अच्छी तो मैं लग रही हूँ, देखो बता रही, ज्यादा नहीं बोल रही हूँ वैसे। पीला काला लाल सब कुछ है, भी अच्छी लग रही हो, ऐसा लग रहा है इंद्रधनुष जा रहा है बाल लगा के।